धनुष की मोस्ट अवेटेड मूवी कैप्टन मिलर अब फाइनली थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई है, जिसे देखने के बाद जो मेरा ओपिनियन है वो मैं तुम्हें इन डिटेल बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है इसके अंदर की स्टोरी, जो कि देखा जाए तो काफी हद तक ट्राइड एंड टेस्टेड है। लाइक इसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर ईसा प्लेड बाय धनुष आगे चल के आर्मी को ज्वाइन करता है, जिसके बाद उसका नाम बन जाता है मिलर एंड हिज एम्बिशन इज टू बी कैप्टन मिलर एंड हेंस मूवी का नाम डिराइव हो जाता है। बट इसके अंदर एक जो ट्विस्ट डाला गया है वो ये है कि आगे चल के वो एक डकैत बनता है जो कि अनप्रेडिक्टेबल एज हेल है, like seriously। बाकी हाँ, मोटी मोटी कहानी यही रहेगी कि फिलहाल अगर बात करी जाए एक्ट्रेस की तो सभी एक्ट्रेस ने अपना काम काफी ज्यादा अच्छे तरीके से करा है, स्पेशली धनुष। लाइक दिस मैन कैन नेल इट इन एनी रोल। लाइक धनुष के डिफरेंट डिफरेंट हमें वर्जन दिखाए जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज चढ़ती जवानी टू द बियर्ड फेस, एंड आई थिंक धनुष ने काफी ज्यादा अच्छे तरीके से हर एक फेस को रिप्रेजेंट करा है। एंड इन माई ओपिनियन धनुष जो है वो आंखों से काफी ज्यादा अच्छे तरीके से खेलना जानता है, लाइक ही इज क्वाइट एक्सप्रेसिव फ्रॉम हिज आईज। बाकी इसके अंदर हमें कन्नड़ा इंडस्ट्री के काफी बड़े नेम शिवा राजकुमार भी देखने को मिलते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस इस मूवी के अंदर काफी ज्यादा बेहतरीन थी। लाइक स्टार्टिंग में तो ये लग रहा था कि ही इज इन अ एक्सटेंडेड कैमियो, लेकिन धीरे धीरे करके पता चलता है कि नो, डायरेक्टर ने अगर रखा है तो उसका कोई ना कोई मोटिव जरूर होगा, जिसका पे ऑफ हमें फॉर श्योर मिलता है। बाकी मैंने पिछली बार भी पूछा था एंड मैं इस बार भी पूछूंगा कि ये बंदा आखिर कब तक, एंड व्हेन आई से इट आई मीन इट, कब तक मूवीज के अंदर अंग्रेज का कैरेक्टर प्ले करता रहेगा। जब तक तुम इस बात का जवाब दे रहे हो, हम बात कर लेते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक की, जो कि रॉक सॉलिड था। आई मीन जनरली इसका बैकग्राउंड स्कोर काफी ज्यादा बेहतरीन है, जो कि ना सिर्फ कानों के अंदर वाइब्रेशंस फील कराता है बल्कि एक्चुअली में तुम्हें उसके ऊपर वाइब करने के लिए मजबूर कर देता है। बात की जाए इसके एक्शन की तो इसका एक्शन भी काफी ज्यादा लाजवाब है एंड उसे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर भी करा गया है, स्पेशली जो इंटरवल ब्लॉक से पहले आता है एंड क्लाइमेक्स में तो सही में आग ही लगा दी है। पूरे 30 मिनट रैंपेज चल रहा था, जिसके अंदर हम एक एक्टर की एंट्री भी देखते हैं, नाम नहीं बताऊंगा लेकिन यू नो अगर तुमने पूरी पूरी वीडियो ढंग से देखी है तो। बाकी मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से करी गई है। सिनेमाटोग्राफी का सिंपल मतलब है कि जो हमें सीन्स दिखाए जा रहे हैं वो कितने ज्यादा ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है, जो इस मूवी के केस में लाजवाब है। बाकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू कास्टिज्म के ऊपर भी बात करती है, जिसे इसने काफी ज्यादा अच्छे तरीके से कहानी के साथ में मोल्ड भी करा है। एंड ये मूवी चैप्टर के अंदर डिवाइडेड है, सो हर एक चैप्टर जो है वो हर एक आने वाले इवेंट को हल्का सा टीज जरूर कर देता है। एंड टीज से याद आया, इन्होंने इसके पार्ट 2 को भी टीज करा है विद अनदर चैप्टर, जिसे इन्होंने एपिलॉग बोला है। एंड इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारे लिए स्पॉइलर की तरह हो सकता है, बट हां अगर इसका पार्ट 2 बनता है तो आई एम अप फॉर इट। बाकी इस मूवी के रिव्यू के कंक्लूजन में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इन माय ओपिनियन ये मूवी थिएटरिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से एकदम लाजवाब है एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू वॉच दिस। एंड अब यही था मेरा ओपिनियन इसके रिगार्डिंग, तुम्हारा क्या कमेंट करके जरूर बता देना। एंड टिल देन बाय।